हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है रीना हैप्पी किचन में। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा का फेमस बैगन भाजा। तो चलिए बनाते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो बैगन भाजा या मसाला बैगन, जो भी कहें, फ्राई बैगन बनाने के लिए हम लिए यहाँ पे देखिए बैगन, और इसे हम अब कट कर लेंगे गोल गोल शेप में। तो किस तरह से हमें कट करना है ये देखिए, पहले तो हम इसे निकाल लेंगे इतना दूर, और इसको हम इस तरह से एकदम पतला पतला नहीं काटना है, थोड़ा मोटा मोटा काटना है ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये देखिए इस तरह से हमें गोल गोल शेप में कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह। चलिए हम सबको इसी तरह से कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब चलिए इसकी इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक ले लिया है बॉल। अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च जीरा का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच मैं डालूंगी धनिया का पाउडर, और अपने स्वाद के अनुसार मिर्च डालिए जैसा आप तीखा खाना चाहते हो, और थोड़ा सा मैं डालूंगी गर्म मसाला पाउडर, और मैं स्वाद के अनुसार नमक इसमें डाल दूंगी, और डालूंगी मैं इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब मैं डालूंगी यहाँ पे अजवाइन। तो अजवाइन बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, तो इसलिए मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब बेसन, ये देखिए। और यहाँ पे मैं डालूंगी अब लहसुन अदरक का पेस्ट, ये देखिए आधा चम्मच के करीब हमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। और मैं डालूंगी इसमें अमचूर पाउडर, तो थोड़ा सा खट्टापन के लिए इसको मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच के करीब डाल रही हूँ। अब इन सब मसालों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे इसमें, ये देखिए। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा हमें पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे मिला लेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए थोड़ा सा मैं और डालूंगी इसमें पानी, तो एक ही बार डालने से गीला हो सकता है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छे से इस मसाले का बैटर बना लेंगे। एक ये देखे, अब हम बैगन लेंगे, और बैगन में हम बहुत अच्छे तरीके से मसालों को इस तरह से लगा देंगे, कोट कर देंगे इसके ऊपर। आप इस तरह से भी डिप करके इनको लगा सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से हम लगा करके और सबको रख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने डाल दिया है तेल, वो भी गरम हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ, अब जो भी ऑयल खाते हो वो लीजिए। तो अब हम एक एक करके इसमें अपना बैगन को डाल देंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ये देखिए मैंने सब डाल दिया है इसमें पकने के लिए, और बस 2 से 4 मिनट हम इसे पकाएंगे, क्योंकि बैगन बहुत जल्दी पक जाता है। तो अब मैं थोड़ा ढक के इसे पकाती हूँ 2 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसे पलट देते हैं तो दोनों तरफ से सिक जाएगा हमारा बैगन। ये देखिए बहुत ही मस्त सिका है ये। तो ये देखिए
ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप दाल चावल के साथ खाइए या रोटी सब्जी के साथ एक अलग से ये डिश बना लीजिए, तुरंत बन जाता है ये झटपट से, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये दो की जगह आप चार रोटी खा लेंगे, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर और कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप लोगों को। तो चलिए इसे भी दूसरे तरफ पकने दीजिए थोड़ा देरी, दो मिनट। देखिए फ्रेंड, हमारा 5 मिनट भी नहीं हुआ और हमारा बैगन फ्राई बन करके तैयार हो गया है, बैगन भाजा बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे हम निकालते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक भी गया है, ये आपको आपको लग रहा होगा कि पका नहीं है, तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक गया है, देखिए। तो अब मैं निकाल लेती हूँ, ये देखिए। तो ये देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज होता है, तो इसे जरूर से जरूर ट्राई करिए। वे देखिए फ्रेंड, हमारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का फेमस बैगन भाजा बनकर के हो गया है तैयार। तो आप भी इसे अपने घर पे ट्राई करिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लजीज होता है, तो इसे जरूर से जरूर ट्राई करिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।